हेलो दोस्तों, मैं सतेन सिंह। आज दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं वैद्युत विभव चैप्टर का न्यूमेरिकल। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, वैद्युत विभव चैप्टर स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके आगे आपने वीडियो के जरिए कहते हैं उसके आगे भी चीज़ों को पढ़ा है, तो आज उसी पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। जैसे जो ये चैप्टर है वो क्या है, वैद्युत विभव, और इसी का हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, यदि दो बिंदु ए व बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेशों को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। एक बार चीजों को और थोड़ा समझ लेते हैं, वैद्युत विभव होता क्या चीज है। हमने बताया था कि अगर मान लीजिए एक ये आवेश रखा है, क्यू आवेश यहाँ रखा है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर ये आवेश यहाँ रखा है तो इसके चारों ओर क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र होगा। और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी आवेश अगर आता है, इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं होंगी जो कि हमें दिखती नहीं है। ये वैद्युत बल रेखाएं चारों तरफ क्या होती है, फैली हुई होती है, जो हमें दिखती नहीं है, ये काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, तो उस आवेश को यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। अगर ये आवेश कहाँ से आता है, अनंत से आता है, तो अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर W अपान क्या होता है, Q होता है, ये हमने पढ़ा था। और विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु क्या है, बी है, और एक बिंदु क्या है, ए है। इस यहाँ पर एक आवेश क्यू रखा है, वैद्युत देखिए अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसे हम कहेंगे वैद्युत विभव, जो कार्य करना पड़ेगा उसे कहेंगे वैद्युत विभव। और वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा इस आवेश पर, वही क्या लाएगा आपका, विभवांतर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अब यहाँ का अगर विभव देखें तो क्या होगा, वी बी, और यहाँ का विभव क्या होगा, ए। जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र के करीब, यहाँ आवेश के करीब आते हैं, वैसे वैसे विभव का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ज्यादा विभव कहाँ होगा, वी ए होगा, कि वी बी हमेशा वी ए रहेगा। क्यों, क्योंकि ये बिंदु ए आवेश के ज्यादा नजदीक है, तो जो ज्यादा नजदीक होगा वो क्या होगा, उसका विभव ज्यादा होगा, और जो ज्यादा दूर होगा उसका विभव क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो वी ए माइनस वी बी विभवांतर, विभव का अंतर, तो हम ज्यादा वाले में हमेशा क्या करेंगे, कम वाले को घटा देंगे, तो वी ए माइनस वी बी बराबर होता है डब्लू अपान क्यू। ये क्या होगा, विभवांतर का फार्मूला, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बराबर डब्लू अपान क्यू लिख सकते हैं, वी बराबर डेल्टा वी बराबर डब्लू अपान क्यू, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी पर आधारित हमें क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर बच्चा बात करे, जैसे अगर यहाँ पर देखिए, इसमें कहा है दो बिंदु ए व बी, दो बिंदु है ए व बी, मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक क्या है, बी। दो बिंदु ए व बी, इसे ए मानिए और इसे क्या मानिए, बी, ठीक है। कह रहा है कि ए व बी पर वैद्युत विभव क्रमशः, ए पर कितना है, 2 वोल्ट है, ए पर कितना है, 2 वोल्ट है, बी पर कितना कह रहा है, 4 वोल्ट है, कितना है, 4 वोल्ट, ए पर 2 वोल्ट, बी पर 4 वोल्ट। तो कह रहा कि 8 माइक्रो कूलाम के आवेश को, बिंदु आवेश को, यहाँ पर एक 8 माइक्रो कूलाम का, 8 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश रखा है, तो कह रहा है बिंदु आवेश को ए से, कहा इस बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप यहां तक ले जाओगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा, विभवांतर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डब्लू ज्ञात करना है, विभवांतर
बी ए का मान हमारे पास कितना है, 2 वोल्ट है। बी बी का मान कितना है, 4 वोल्ट है। आवेश क्यू बराबर कितना है, 8 माइक्रो कूलम। माइक्रो को बदलोगे तो यही क्यू बराबर 8×10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यही आवेश क्या हो जाएगा, 8×10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। और यही बच्चा अगर रखेंगे तो डब्ल्यू, हम यहाँ अभी हमने देखा डेल्टा वी बराबर क्या होगा, W/Q, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, वी बी माइनस वी ए बराबर W/। हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं, तो ज्यादा विभव किसका है, बी का है ना, और कम विभव किसका है, ए का। तो हम वी बी माइनस वी ए किए हैं। अब यहाँ से देखिए वी बी का मान कितना है, 4 है। वी ए का मान कितना है, 2। डब्ल्यू का मान हमें ज्ञात करना है, क्यू का मान कितना है, 8×10⁻⁶। 4 में से 2 गए, 2 हो गया। डब्ल्यू बटे 8×10⁻⁶ कितना, -6। त्रियक गुणा कर देंगे तो यही डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 8×2=16×10⁻⁶। और कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या हो जाएगा, इतना जूल। तो बिंदु ए से बी तक अगर हमें आवेश को लाना है, 8 माइक्रो कूलम के आवेश को लाना है, तो हमें कितना वर्ग करना पड़ेगा, हमें 16×10⁻⁶ जूल वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो सवाल है उसमें कहा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, मान लीजिए कोई स्थान है, वहां वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतने 0.01 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में, बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, तो बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे मान लीजिए आवेश रखा होगा कोई, इस वैद्युत क्षेत्र का आवेश होगा, और यहाँ पर एक बिंदु आपका हम देख लेते हैं, एक क्या है, ए है, और एक क्या है, बी। मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये क्या है, बिंदु बी। कह रहा है बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितने आवेश को, 0.01 कूलम, मतलब यहाँ 0.01 कूलम का आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, और इस आवेश को बिंदु ए से कहाँ तक ले जाना है, बिंदु बी तक ले जाना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनके बीच का विभवांतर कितना होगा, तो जब यहाँ से यहाँ तक ले जाता जो कार्य होता है वो कितना जूल करना पड़ता है, 12 जूल हमें वर्ग करना पड़ता है, और आवेश कितना है, 0.01 कूलम। आप जानते हो कि अगर दशमलव यहाँ है, 2 अंक इधर करेंगे तो 1×10⁻⁷ कितना हो जाएगा, -2 कूलम हो जाएगा, जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। हम जब दाहिने तरफ जाते हैं जितने अंक शिफ्ट करते हैं 10⁻⁷ को उतने क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये 1×10⁻⁷ - 2 कूलम आवेश हो गया। चले अब यहाँ पर हम देखें, अगर ये बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ ले जा रहा है ना, तो यहाँ का विभव कम होगा और यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां से जहां तक जाते हैं, मतलब जहां शुरू करते हैं वहां हमेशा विभव कम होता है, और दूसरे स्थान पर जहां जाते हैं वहां पर विभव हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए बराबर W/ क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और यही तो विभव का अंतर है, ये क्या है, ये विभव का अंतर अर्थात विभवांतर, और विभवांतर को डेल्टा वी से लिखते हैं, और डब्ल्यू का मान कितना है, 12 है, और यहाँ पर इसका मान कितना है, 1×10⁻²। क्यू का मान कितना है, 1×10⁻², और इसी को आप लिखोगे 12×, ये देखिए 12 में 1 से भाग दोगे 12 ही होगा, और ये ऊपर जाएगा 10⁻³ कितना हो जाएगा, 2। तो डेल्टा वी बराबर 12×10⁻²² वोल्ट हो जाएगा, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, 12×10⁻²² वोल्ट हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में लगाने से पहले, ये तो हमारा विभव के बारे में था, आइए अब अगला देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई आवेश यहाँ रखा है, जैसे मान लीजिए कोई आवेश यहाँ रखा है, ठीक है, क्यों आवेश रखा है, इस आवेश में क्या है, वैद्युत क्षेत्र होगा। कह रहा कि इस आवेश से कुछ दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर, ये दूरी कितना मान लेते हैं r, तो कह रहा है ये दूरी a पर हमें वैद्युत विभव कितना प्राप्त होगा। आवेश है
मान लीजिए आवेश कुछ भी हो सकता है, क्यू है आवेश, और यहाँ से ए दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने फार्मूला बताया था, वी बराबर 1/4 πε0 क्यू बाई कितना होता है, आर होता है, ये विभव का फार्मूला होता है, ठीक है ना। और जानते हो 1/4 πε0 का मान 9×10⁻ कितना होता है, 9 होता है, और क्यू का मान और आर का मान। ये फार्मूला हम विभव का तब निकाले, देखिए विभव का आपने एक फार्मूला और देखा, W/Q। तो ये तब हम यूज करें जब हमारे पास आवेश और कार्य पता होगा, लेकिन ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास आवेश और क्या होगा, दूरी होगा, ठीक है। तो आइए जो तीसरा सवाल है ये इसी पर आधारित है। तीसरे सवाल में कहा है आवेश 4×10⁻⁷ कूलाम के कारण, मान लो कोई आवेश क्यू है और उसका मान कितना है 4×10⁻⁷ कूलाम के कारण, इससे इस आवेश से, मान लीजिए ये आवेश यहाँ रखा है और इससे कितनी दूरी पर, ये आवेश क्यू यहाँ रखा है इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है वैद्युत विभव कितना होगा, यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्यू का मान इतना हो गया इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जब बदलोगे तो 10⁻², क्या कर दोगे, मीटर कर दोगे। आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में 10⁻², क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो यहाँ से आर का मान हमें पता चल गया, वी बराबर होता है 1/4 πε0 क्यू बाई कितना होता है आर, वैल्यू को रखे 9×10⁻ कितना 9, 1/4 πε0 का मान इतना होता है, क्यू का मान बच्चा आपका हो जाएगा 4×10⁻⁷, और यहाँ आर का मान हो जाएगा 9×10⁻ कितना -2, क्या 9 से 9 कट गया। अब देखिए 9 में से 7 गए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ कितना बचा है 4×10⁻² और इसे हम ऊपर ले गए तो कितना हो जाएगा 10⁻². तो कितना 4×10⁻ कितना 4 वोल्ट आपका 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव होगा, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आवेश 2×10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु पी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आवेश 2×10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु पी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अरे यार सवाल गलत है का? तुम्हें कुछ दिए गए हैं? कौन की ज्यादा टिकट लेके देते हैं तुम? आइए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। अभी हमने तीसरे सवाल में निकाला कि V का मान कितना है 4×10⁻⁴ वोल्ट आया, ये हमारे तीसरे सवाल में था, जो पिछला सवाल हम लोगों ने देखा उसमें विभव का मान इतना आया है। क्या कि अब आवेश कितने को, इतने को 2×10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु पी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब कि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक आवेश था जिसका मान कितना था 4×10⁻⁷ कूलाम इतना था, और यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव कितना होगा, तो विभव कितना आया 4×10⁻⁴ वोल्ट आया। तो कह रहा कि अब इसी क्षेत्र में कहाँ से बिंदु, इसी बिंदु P तक, मतलब इस बिंदु P तक, यहाँ बिंदु क्या है P, ये बिंदु P है, कह रहा कि ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर विभव 9 सेंटीमीटर के अगर दूरी पर देखो तो विभव इतना पाया जाता है, कितना इतना। कह रहे अब आवेश अनंत पर, एक स्थान अनंत है, वहां पर 2×10⁻⁹ कूलाम का आवेश अगर रखा है तो उसको इसी बिंदु P तक लाना है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तीसरा और ये जो चौथा सवाल है दोनों एक साथ मिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आवेश था, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव इतना है,
कह रहा इसी बिंदु पर अगर हम अनंत से एक आवेश और लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस बिंदु P का जो विभव है वो कितना है, 4 × 10⁻⁴, कितना है 4 वोल्ट है, और आवेश कितना हम ला रहे हैं, 2 × 10⁻⁹ ला रहे हैं। तो कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, अर्थात W का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं V बराबर W अपान Q, तो W बराबर V इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। V का मान कितना है 4 × 10⁻ कितना 4, और Q का मान कितना है 2 × 10⁻⁹। 4 × 2 कितना 8 हो जाएगा, और 9 में से 4 गए कितना 10⁻⁵। तो W बराबर 8 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये आपका सवाल था, जो कि तीसरा और चौथा सवाल एक दूसरे के साथ कंबाइंड था, ठीक है। आइए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में कहा है 2 μC के आवेश से, अगला सवाल है 2 μC के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या सेम पिछले सवाल जैसा है। मान लो एक यहाँ पर आवेश 2 μC का रखा है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो आवेश Q का मान कितना है 2 μC, आप चेंज करोगे 2 × 10⁻ कितना −6 कूलाम हो जाएगा। दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में तो 10⁻²⁰ मीटर का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब इसका घात 1 है और इसका घात −2, तो घटाओगे 10⁻⁑ मीटर, तो आर का मान इतना आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है वी बराबर 1/4πε₀ क्यू बाई कितना है आर। तो यहाँ पर 9 × 10⁻ कितना 9, और क्यू का मान कितना है 2 × 10⁻⁶, और यहाँ पर R का मान कितना है 10⁻¹। 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, अगर 9 में 2 का गुणा करें कितना हो जाएगा 18, तो V बराबर क्या हो जाएगा 18 × 3। ये देखिए 9 में से 6 गए कितना बचेगा 10³, और ये ऊपर गया 10⁻¹, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा ऊपर जाने पर, और ये V बराबर 18 × 10⁻¹⁴ वोल्ट, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। आइए एक सवाल और है इसी पर आधारित, देखते हैं। इसमें कहा है कि हीलियम नाभिक के कारण, मान लीजिए ये हीलियम नाभिक है, ये हीलियम नाभिक है, हीलियम नाभिक को लिखते हैं 2He4, क्या यही लिखते हैं। कह रहा हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, यहाँ से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आवेश नहीं दिया है, आवेश नहीं दिया है, लेकिन आपको हमने एक चीज बताया था क्लास में या वीडियो में ही आपने पढ़ा है, 2H4 हीलियम नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं, अल्फा कण। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, ये सब यही पॉइंट था जो आज के लिए काम में आया था। आवेश क्यू, आवेश कितना होगा 3.2 × 10⁻¹⁹। अगर आप नहीं जानते तो आप यहां निकाल सकते हैं, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मान कितना 2, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, 2 × ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹, 16 × 2 = 32, तो 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये क्या हो गया आवेश। समझ में आ गया कि नहीं, तो इतना कूलाम इसका क्या हो गया आवेश। अब यहाँ पर देखते हैं अगर आवेश इतना है तो दूरी कितना है 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻¹⁰ हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻¹⁰ होता है। वी का मान निकालना है तो 1/4πε₀ क्यू बाई कितना आर, तो यहाँ से 9 × 10⁻¹⁰ कितना हो जाएगा 9, क्यू का मान 3.2 × 10⁻¹⁹, और आर का मान 2 × 10⁻¹⁰ कितना −10। अगर आप काटोगे तो 16 × 2 = 32, 1.6 हो जाएगा, और यहाँ से 9 × 1.6, और 19 में से 9 घटाओगे 10⁻¹⁰ कितना −10, और ये बच्चा नीचे बट्टे में 10 ये कट गया, तो 16 × 144, तो 14 कितना हो जाएगा 4 आपका वोल्ट हो जाएगा। तो हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना हो जाएगा आपका
14.4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, जैसे ये आपका V बराबर है 1/4πε0Q/R है। इसी के साथ अगर इसका, ये तो केवल एक आवेश के कारण है, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ चार्ज हो जाए, मतलब आवेशों का अगर निकाय हो जाए, तब क्या होगा? जैसे आप लोगों ने देखा था कि क्या कहते हैं कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम में हम लोगों ने देखा था, वहां अध्यारोपण का सिद्धांत लगा था। हम F1 निकालते थे, F2 निकालते थे, सबको क्या कर देते थे, साथ में जोड़ देते थे। तो ऐसे यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, जब कई आवेश हो, यहाँ पे तो एक ही आवेश है और एक ही दूरी है, लेकिन जब आवेश अलग अलग और दूरी अलग अलग हो, कई दे दिया जाए, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।